दोस्तों अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में गेहूं का नया भूसा आता है और गेहूं के नए भूसे से आपकी बकरी बीमार हो सकती है और अगर आप सही तरीके से उसको संभाल नहीं पाए तो बकरी मर भी सकती है। क्योंकि अप्रैल के महीने में सबको पता है कि नया गेहूं का भूसा आता है, गेहूं की कटाई मड़ाई होती है हमारे देश में, और नया भूसा आता है और नया भूसा बकरियों को किस तरीका से खिलाना चाहिए। गाय भैंस को खिलाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरियों को खिलाने का तरीका होना चाहिए, नया भूसा कैसे खिलाएं। क्योंकि जब बकरियां नया भूसा खाती हैं तो उनके पेट में वो भूसा जाकर के बैठ जाता है और तह बन जाता है और वो जुगाली नहीं कर पाती हैं, और जब जुगाली नहीं करती हैं तो भूसा पचता नहीं है, और जब भूसा पचेगा नहीं तो बकरी का पेट फूल जाएगा, और बकरी का पेट फूल जाएगा यानी कि उसका मेगनी, यूँ कह लें आप, उसका गोबर बंद हो जाएगा। जब गोबर बंद हो जाएगा तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे, जब उसको संभाल नहीं पाओगे तो बकरी का मौत हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीन हस गुड फार्म से, और हम लोग बात कर रहे हैं कि गेहूं का भूसा बकरी को कैसे खिलाएं। तो दोस्तों अप्रैल के महीने में नया भूसा आता है और भूसा जो है कि गर्मी में ये निकल रहा है, और नया भूसा जो है कि गर्म होता है, नया भूसा गर्म होता है और वो बकरियों को नुकसान करता है, बकरियों को लूज मोशन होने लगता है या तो फिर उनका गोबर बंद हो जाता है यानी मेगनी बंद हो जाता है। लूज मोशन जब वो गर्म खाएंगी तो उससे उनको लूज मोशन हो जाता है, या तो जब भूसा का तासीर थोड़ा सा गर्म होता तो नहीं है, लेकिन इस समय नया जो नए भूसे का है वो गर्म होता है। जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने कहावत कहा था कि नया भूसा एक बरसात जब खा ले यानी एक बारिश पूरा बीत जाए तब खिलाना चाहिए, लेकिन आपको इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना है। जैसे कि अभी हमारे पास थोड़ा सा भूसा है तो हम पुराना भूसा खिला रहे हैं, और नया गेहूं का भी कटाई मड़ाई चल रहा है तो हम उसको रख देंगे, और जब हमारा पुराना भूसा ख़त्म हो जाएगा, लगभग एक 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो हम नया भूसा खिलाएंगे, हम बरसात का इंतज़ार नहीं करेंगे। क्योंकि उसको खिलाने का एक तरीका है, तरीका क्या है कि भूसा आपको शाम को खिलाना है तो खिलाने के 2 घंटा पहले आप भूसे को एक टब में अच्छे तरीके से पानी डाल करके आप उसको यानी गीला कर दो, गीला करके आप उसको रख दो 2 से 3 घंटे। आप सुबह से भी रख सकते हो, शाम को खिला सकते हो, शाम को रख दो सुबह खिला सकते हो, या तो खिलाने से 2 से 3 घंटे पहले गेहूं का नया भूसा आप पानी में भिगा दें, भूसा नम हो जाएगा, उसके अंदर जो गर्मी है वो गर्मी निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको ताज़े पानी से उसको भिगाना है, बासी पानी से या गर्म पानी से नहीं। जैसे आजकल गर्मी का मौसम पड़ रहा है, आप बाल्टियों में बर्तनों में पानी रख देते हो वो पानी गर्म हो जाता है, तो ताज़ा फ्रेश पानी से उसको भिगा करके रख देना चाहिए। आप सुबह का शाम को खिलाओ, शाम का सुबह खिलाओ, या 2-3 घंटा पहले करके आप उसको, उसके बाद जैसे भी खिलाते हो आप, जो चीज़ भी मिक्स करते हो आप, इस तरीका से जो है कि उनको खिला सकते हैं, इससे बकरियों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ सावधानी बरतने से ही बकरी पालन में सफलता मिलती है। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, आप हमेशा असफलता ही आपके पीछे रहेगी, आपके सामने सफलता दिखेगा नहीं। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी था कि बकरी को गेहूं का भूसा कैसे खिलाएं, नया भूसा, गेहूं का नया भूसा बकरी को कैसे खिलाएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।